Good morning. This is online class conducted by St. James School and Government. यह वीडियो आपका कक्षा 3 विषय हिंदी साहित्य का है. हिंदी साहित्य में पाठ 10 परीक्षा. पहले इस पाठ को हम पढ़ने के पहले समझने के पहले आपका पाठ परिचय कराते हैं. पाठ परिचय में परिश्रम पाठ में बताया गया है कि परिश्रम कुछ लोग परिश्रम यानी मेहनत कुछ लोग अपना कार्य पूरा करने के लिए करते हैं और कुछ लोग दूसरों का कार्य अपना कार्य तो करते ही करते हैं वो दूसरों का कार्य भी करते हैं. इसको हम निस्वार्थ कार्य कहते हैं या पर स्वार्थ कार्य करते हैं. तो आप परीक्षा अपने विषय पे आते हैं. हम लोग इस पाठ में बताया गया है कि एक जिला अधिकारी थे. वे अपने जिले में किसी ऐसे भले आदमी को ढूंढ रहे थे जो निस्वार्थ भाव से दूसरों का भला करता हो. किसी की प्रशंसा कानों में पड़ते ही वे उसके बारे में जानकारी जुटाने लगते थे. कहने का मतलब कि कोई भी डीएम हो उसको अगर उसके जिले से सरकार द्वारा कोई नाम पूछा जाता है तो वो डीएम यानी जिलाधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने जिले से नाम दे. तो ऐसे ही एक जिलाधिकारी थे जिन्हें ये नाम एक नाम देना था अपने जिले से जो निस्वार्थ भाव से कार्य करते थे. यानी कि अगर उनको किसी की तारीफ में कोई नाम पता चलता तो वो उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगते थे. अब किसी का भी नाम देने के पहले हमें उसके बारे में सही जानकारी भी इकट्ठा करनी चाहिए. ऐसे ही डीएम थे. एक बार उस जिलाधिकारी को एक गांव में ग्राम सभा की बैठक में भाग लेने जाना था. एक बार जिलाधिकारी को कहीं पास के गांव में ग्राम सभा की बैठक होती है उसमें भाग लेना था जाना था. वे उस बैठक में शामिल होने के लिए गांव की ओर चलते. बैठक में शामिल होने के लिए गांव की ओर चलते. गांव की सड़क अधबनी थी. अधबनी यानी आधी बनी थी पूरी नहीं बनी थी. इसीलिए उन्हें कार से उतरकर पैदल ही चलना पड़ा क्योंकि सड़क पूरी नहीं बनी तो कार कैसे जाएगी आगे. तो पैदल जाना पड़ा. चलने के बाद उनकी नजर भारी पत्थर पे पड़ी. भारी पत्थर पे जिससे ठोकर खाकर कोई भी गिर सकता था. जैसे रास्ते में आप इस चित्र को देखिए. इस चित्र को रास्ते में बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है तो डीएम की नजर उस पत्थर पे पड़ी जिससे ठोकर खाके कोई भी गिर सकता था. जिलाधिकारी के मन में गांव के लोगों की परीक्षा यानी इम्तहान लेने का विचार है. वे एक पेड़ की आड़ में छिपकर खड़े हो गए. वे यह देखना चाहते थे कि रास्ते में पड़ा इस पत्थर को कौन हटाता है. जो हटाएगा वही निस्वार्थ भाव से कार्य करता होगा. थोड़ी देर बाद एक किसान आता दिखाई दिया. उसके कंधे पर हल था और हाथ में बैलों की डोरी. इसके पहले पाठ में मैंने आपको किसान के बारे में बताया था. चला किसान कविता थी उसको समझाया था. तो वही किसान जा रहा था. उस पत्थर को देखते ही किसान स्वयं यानी खुद को भी सड़क के किनारे यानी पत्थर ये बड़ा है तो खुद को भी किनारे कर लिया और अपने बैलों की जिम्मेदारी को भी बैलों को बचाने के लिए उसको भी किनारे कर लिया.
बैलों को ठोकर खाने से बचा लिया। तभी दूर से एक दूध वाला आता दिखाई दिया। सिर पे वजन से उसकी गर्दन ऊपर दिख रही थी, नीचे का पत्थर उसे नहीं दिखाई दिया। विज्ञानी में वह पत्थर से ठोकर खा गया, मतलब अनजाने से अचानक उसको ठोकर लगने से वो गिर पड़ा। उसके घुटनों में चोट आ गई और सारा दूध सड़क पे गिर गया। दूध वाला कठिनाई से उठते हुए बड़बड़ाया, इतना बड़ा पत्थर रास्ते में पड़ा है और किसी ने इसे हटाया नहीं, मतलब खुद गिरे तो तब वो पत्थर दिखाई दिया और बड़बड़ाया कि मेरा दूध तो गिर गया, अब मैं ग्राम सभा को दूध कैसे दे पाऊंगा। दूध वाला लंगड़ाता हुआ अपने रास्ते चला गया, यानी उस पत्थर को उसने नहीं छुआ तक नहीं, उसने भी पत्थर नहीं हटाया। तभी किसी साइकिल की घंटी सुनाई दी। एक युवक साइकिल पर सवार मस्ती में गाना गाकर आ रहा था, अचानक साइकिल का पहिया उस पत्थर से टकराया। साइकिल लड़खड़ाई, युवक ने आदमी बचते वो अपने आप को बचा लिया और वो भी बड़बड़ाया, मैं कई दिनों से इस पत्थर को यहीं पड़ा देख रहा हूँ पर कोई अब तक इसे हटाने नहीं आया। वो खुद ही नहीं हटाए और दूसरों के बारे में भी ऐसा बोले। यहाँ के लोग बहुत आलसी हैं, दूसरे लोगों को बोल रहा है आलसी है, अब खुद बताओ क्या है। युवक ने साइकिल आगे बढ़ाई और दूर निकल गया। युवक के जाते ही एक बुजुर्ग सिर पर फल, बुजुर्ग मतलब बूढ़ा बूढ़े आदमी फल की टोकरी लिए आए, वे भी उसी पत्थर से ठोकर खा के गिर पड़े, उनके सारे फल गिर गए। जिलाधिकारी ने बुजुर्ग की मदद के लिए कदम बढ़ाए। जिलाधिकारी ने देखा कि बूढ़ा आदमी बुजुर्ग थे, वो गिर पड़े तो उनकी मदद करनी चाहिए। उन्होंने देखा कि एक लड़का दौड़ता हुआ बुजुर्ग की मदद के लिए आ रहा है, वे फिर से पेड़ की आड़ में छिप गए और लड़का उस वृद्ध को उठाते हुए, बूढ़े व्यक्ति को उठाते हुए बोला, बाबा कहीं चोट तो नहीं लगी, ये अच्छे बच्चों की निशानी होती। नहीं बेटा, पर देखो सारे फल कैसे बिखर गए हैं, ये फल ग्राम सभा में बांटने जाना है। लड़के ने कहा, आप चिंता न करो, मैं सब फल समेट कर टोकरी में रख दूंगा। लड़के ने फल समेटे, फिर फलों से भरी टोकरी उठाकर वृद्ध के सर पे रखने में भी मदद करी। बुजुर्ग बालक को आशीर्वाद देते हुए चला गया। अब वह लड़का पत्थर को रास्ते से हटाने में जुट गया। वो लड़का अभी तक दूध वाला निकला उसने नहीं हटाया, साइकिल वाला निकला उसने नहीं हटाया, किसान निकला उसने नहीं, लेकिन ये बालक उस पत्थर को हटाने की कोशिश करने लगा और जुट गया। जिलाधिकारी ने उस लड़के के पास आकर पूछा, बेटा तुम कौन हो? लड़के ने बताया, मैं गोपालियन हूँ। कहाँ के रहने वाले हो? श्रीमान, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। तुम स्कूल जाते हो? कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? जी हाँ, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। जिलाधिकारी ने अगला सवाल किया, तुम रोजाना किसी रास्ते से आते जाते हो? गोपालन ने कहा, नहीं, महीने महीनों इस रास्ते से आना जाना नहीं होता, यानी कि मैं कभी कभी आता हूँ। वो लड़का इस रास्ते से कभी कभी आता था। फिर आज किस लिए आए हो? आज पड़ोस के गांव में सरपंच को हमारी ग्राम सभा में आना है, यानी पड़ोस के गांव के सरपंच को हमारे गांव में आना है ग्राम सभा में, उन्हीं को लेने सरपंच को लेने जा रहे हैं। अधिकारी उसकी पीठ थपथपाते हुए गांव की ओर चले गए और गोपालन दूसरे गांव की ओर। कुछ देर बाद गोपालन उन सरपंच महोदय के साथ ग्राम सभा में आए। गोपालन के आते ही जिलाधिकारी ने ग्राम सभा को अपना परिचय दिया। उन्होंने बताया, दूसरों की
रास्ते में मुझे एक वह व्यक्ति मिल ही गया, अपने जिले के लिए पहला पदक पाएगा। पदक यानी इनाम। आप सबको यह जानकर खुशी होगी कि वह व्यक्ति इस गांव का बालक गोपालन। पदक किसे मिलेगा? गोपालन को, उस बालक को, बच्चे को जिसने कस्तूर हटाया था। आगामी मतलब आने वाले गणतंत्र दिवस में स्वयं मुख्यमंत्री महोदय गोपालन को पदक प्रदान करेंगे। ग्राम सभा में खुशी की लहर दौड़ गई। दूसरे के काम आने की गोपालन की आदत के बारे में वे पहले से भी जानते थे, क्योंकि जो जैसे होते हैं उनके बारे में हमेशा सब लोग जानते हैं। अगर आप लड़ाकू हो गए तो उसके बारे में सब जानेंगे, और जब निस्वार्थ भाव से काम करते हो तो उसके बारे में भी जानते हैं। सरपंच महोदय ने भी ग्राम सभा की ओर से उसे पुरस्कार देने की घोषणा की। गोपालन के संगी साथी यानी दोस्त मित्रों ने उसे बधाई दी और बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। इस तरह से आपका पाठ पूरा हुआ। अब अभ्यास कार्य करते हैं हम लोग। अभ्यास कार्य पेज नंबर 73 पे पहला क्वेश्चन आपका है, रिक्त स्थान को भरिए। एक जिलाधिकारी का पदक, एक जिलाधिकारी थे, उन्हें जिले के सबसे भले आदमी की पहचान करनी थी। खा में आपको गांव की सड़क कैसी थी? अधबनी। खा में आपको अधबनी भरना है। गांव में जिला अधिकारी देखना चाहते थे कि पत्थर को सड़क से कौन हटाता है। खा किसान के कंधे पे हल था। अंगा बुजुर्ग, एक बुजुर्ग सिर पे फलों की टोकरी लिए आए। फिर पेज नंबर 74 भाषा बोध पहला प्रश्न, उचित सर्वनाम भरकर वाक्य पूरे कीजिए। उचित सर्वनाम, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो Hey!
ओके, थैंक यू।